చూస్తావ మైక్ కమింగ్ టు బెడిగా। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की साल 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म गुंडूर कारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम के कलेक्शन की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 18 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम के आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म गुंडूर कारम ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 1 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म गुंडूर कारम का फ्रॉम डे 18 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 272.55 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर 193 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म गुंडूर कारम के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 200 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों आज एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई फिल्म गुंडूर कारम फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में महेश बाबू फिल्म की जान है। फिल्म में वे एक्शन कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म गुंडूर कारम को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल फिल्मों के सुपरस्टार धनुष एंड कनाडा फिल्मों के सुपरस्टार शिवा राजकुमार स्टार फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म कैप्टन मिलर के कलेक्शन की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 18 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में जबरदस्त कमाई की है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की बात करें तो फिल्म कैप्टन मिलर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 1.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म कैप्टन मिलर का फ्रॉम डे 18 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 125.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म कैप्टन मिलर के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर, और फिल्म फिलहाल कैप्टन मिलर अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर दुगनी कमाई कर चुकी है। फिल्म कैप्टन मिलर में दोस्तों धनुष का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म में वे ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनका लुक ऑडियंस को सिनेमाघरों में खींचने में पूरी से कामयाब हुआ है। दोस्तों फिल्म कैप्टन मिलर हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध है। फिल्म को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तेजा सज्जा स्टार फिल्म हनुमान के कलेक्शन की, तो फिल्म का कलेक्शन अनस्टॉपेबल है। फिल्म के आज सिनेमाघरों में 18 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 की, तो फिल्म हनुमान ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 4 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म हनुमान का फ्रॉम डे 18 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 279 करोड़ ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म तेजी से 300 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म हनुमान को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म हनुमान अपने बजट मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर 3 गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म हनुमान को काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म को हिंदी ऑडियंस ने भी काफी पॉजिटिव रिव्यू दिया है। दोस्तों फिल्म हनुमान को सभी इंडियन को देखनी चाहिए। फिल्म हनुमान को अगर आपने अभी तक मिस किया तो आप साल 2024 की बेहतरीन फिल्मों को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उड़ाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म आहिलंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तमिल फिल्मों के सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन स्टार फिल्म आहिलंग के कलेक्शन की, तो फिल्म फिलहाल सिनेमाघरों में अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 के अंदर वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 1.85 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म आहिलंग का फ्रॉम डे 18 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 101.85 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर, और फिल्म फिलहाल अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म तेलुगु वर्जन में भी उपलब्ध है, तो वहीं फिल्म हिंदी वर्जन में भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म आहिलंग को अगर आपने मिस किया तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।